मजीद भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम कैडर्स की मौजूदगी में आपने हालात हाजिरा पर बात की और पार्टी की अहमियत को तमाम नौजवानों को समझाने की कोशिश की है, ये पोल इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे भाई साहब? तो ये देखिए, हमें सब पूरा तमाम कर्नाटक में हर डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे कैडर्स का एक कन्वेंशन कर रहे हैं पोल नेक्स्ट का नाम, यानी पोल नेक्स्ट मीन्स इलेक्शन 2023 का रहे, उस 23 इलेक्शन को हमारे कारकुनों को रेडी करना, उनको मजबूत करना, उनको एजुकेट करना, उनको प्लान देना, स्ट्रेटजी देना, ये हमारा मकसद है। तमाम कर्नाटक का हर डिस्ट्रिक्ट में हो लेकर आज मैसूर सिटी डिस्ट्रिक्ट में आज हमारे कन्वेंशन चल लेकर है, तो इसका मकसद इतना ही है। 23 इलेक्शन में हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 100 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम और 224 कॉन्स्टिट्यूंसी भी हम सर्वे किए हैं, तो उसमें 100 कॉन्स्टिट्यूंसी हम लोग को एक फेवरेबल आए, जिससे का हमारा कैडर स्ट्रेंथ है, हमारा खिदमत है, हमारा जद्दोजहद है, हमारा इतिजाज है कंटेस्ट करने का। तो इसलिए हम लोग ऑलरेडी अभी 24 जगहों का हम कैंडिडेट का भी फाइनल कर लिए हैं, बाकी का प्रोसेस में है। तो इलेक्शन को तैयार, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 7 महीना है, तो 7 महीने में हमारा इलेक्शन पॉलिटिक्स को रेडी करने के लिए, हमारे कैडर को रेडी करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए ये हमारा कैडर कन्वेंशन है। क्योंकि इतने साल जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक हमने हुकूमत किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमने मिलना था वो मिलने कर नहीं है, कोई भी मजलूमों का आवाज़ बनकर काम कर नहीं। तो जो भी पॉलिटिक्स में है वो खुद का पॉलिटिक्स करते हैं, जब मजलूम कम्युनिटी का, चाहे वो मुसलमान, दलित, आदिवासी, कितने भी जो इश्यूज आता है, हम इशू कोई भी उनका एड्रेस करने वाले नहीं हैं उनको, तो वो जो मजलूमों का आवाज़ बनकर हम लोग काम करना चाहते हैं। तो इसलिए हम आइंदा आने वाले जो 23 इलेक्शन में एक अहम रोल हम निभाते हैं। नेक्स्ट इलेक्शन में किसी को मेजॉरिटी नहीं आता, क्योंकि जो हालात हम देख रहे हैं किसी को मेजॉरिटी नहीं आता, तो SDPI एक अहम रोल उस इलेक्शन में रोल। जिन जिन मुकामात पर आपने उम्मीदवारों को लिस्ट बनाई है, क्या उनमें तमाम मजहब के लोग शामिल हैं? या हर कम्युनिटी का लोग हम तैयार हैं। अभी जो लिस्ट बनाए हर कम्युनिटी का है, दलित है, बैकवर्ड क्लास का है, वुमेंस है, और भी अलग अलग लोग, अच्छे लोग, जो ईमानदार लोग पार्टी को आना चाह रहे हैं उनको भी हम अकोमोडेट करेंगे। जो हमारा क्या है, एक कौन सेकुलरिज्म का बारे में और जो भी मजलूमों का बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन का बारे में जो भी कंसर्न है, और लोगों का खिदमत करना चाहते हैं, एक खादिम बनकर काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग पार्टी को भी लेते हैं, उनको टिकट भी देते हैं। ऐसा बहुत सारे उम्मीदवार अभी आले कर हैं हमारा पार्टी। आज के इजलास में जो नौजवान आपके सामने बैठे हैं, आपने उनको क्या नसीहत दी है सर, आने वाले इलेक्शन में किस तरह की तैयारी है आप? देखिए, एक हमारा आज का जो ये मकसद था इलेक्शन में, ये एक हम लोग को ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स, ये दो भी चाहिए। तो हमारा फाइनेंस का सोर्स, बहुत सारे टाइम में मीडिया पूछते रहते हैं फाइनेंस सोर्स है, एक तो हम हमारे जो भी कैडर्स हैं उनसे हर साल उनका कंट्रीब्यूशन लेते हैं, दूसरा हम पब्लिक फंड करते हैं। तो ये फाइनेंशियल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स को तैयार रखने के लिए, उसके लिए जद्दोजहद करने के लिए एक मोटिवेशन था आज का इस इजलास। सर, क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में पार्टी को इसी तरह की तायद मिलती रहेगी? 100% उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 13 साल का हमारा तजुर्बा है, अवाम कभी भी हमारा साथ दिए। इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में हम लोग को कभी कभी वोट का अगर विन नहीं हुए, इसका मतलब नहीं है कि हमारा साथ लोग तायद नहीं करते। इलेक्शन एक अलग ही होता है, क्योंकि इलेक्शन में जो ह्यूमन साइकोलॉजी काम करता है, कभी कभी पर्टिकुलरली जो मुस्लिम कम्युनिटी का एक साइकोलॉजी ये है, BJP नहीं आना चाहिए, BJP नहीं आया बोले तो एक सेकुलर पार्टी को देना चाहिए, SDP जीते, ऐसा एक साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी को भी लोग बदलना है, खुद का एक इकतदार में आना है, खुद का इकतदार का बारे में सोचना है। हम कभी भी ये गुलामी का पॉलिटिक्स छोड़ना है, गुलामी का पॉलिटिक्स छोड़ के खुद इकतदार आने के बारे में, ये जो भी कम्युनिटी हो, चाहे वो मुस्लिम हो। देखिए, 75 साल हो गया आज़ादी मिलकर, अभी तक कर्नाटक में एक दलित चीफ मिनिस्टर नहीं बना, एक मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बना। हालांकि दलित 1 प्लेस में है पॉपुलेशन में, 1.25 करोड़, करीब करीब 1 करोड़ मुसलमान है। अभी तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक दलित या मुस्लिम को CM क्यों नहीं बनाए? तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ इन लोग वोट बैंक होकर यूज़ करेंगे, बस पोजिशन नहीं देंगे, और मुस्लिम लीडर्स, पर्टिकुलरली मुस्लिम लीडर्स को आगे आने नहीं देंगे, ये लोग खतरम करेंगे मुस्लिम लीडर्स को। एक एक
वो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट लाने के लिए एक टूल होकर यूज़ करेंगे, मगर पोजीशन देंगे। आपको मालूम है सीएम इब्राहिम साहब को जब अपोजिशन लोअर हाउस में अपोजिशन लीडर का जो मकाम देने का बात आई तो कांग्रेस में सीएम इब्राहिम साहब सीनियर मोस्ट थे, उनको नहीं दिए, दूसरे को दिए, तो वो रूस के बाहर आ गए, वो अलग बात है। ये है, इनको सिर्फ और सिर्फ वोट को मुस्लिम कम्युनिटी का वोट बैंक लाने के लिए इनको इस्तेमाल करेंगे, मगर पोजीशन कोई भी नहीं देंगे। सर, जिस तरह जितने भी उम्मीदवार हैं या उम्मीदवार की लिस्ट बनाई गई है वो पूरे एसडीपीए से वाबस्ता रखते हैं, या ऐसे कोई जो बीच में आ गए पैसों की खातिर आप उनको सीट दे रहे हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया में कभी भी कोई भी इलेक्शन में हम टिकट देने में उनको नहीं पूछते आप कितना पैसा देते हैं या कितना पैसा रखे हैं, ये बिल्कुल। हालांकि हम कैंडिडेट के लिए एक अप्लीकेशन फ़ीस भी हम लोग रखा नहीं है। नॉर्मली पूरा पॉलिटिकल पार्टी को एमएलए इलेक्शन को अप्लीकेशन डालना है एज ए कैंडिडेट, तो भी 10,000 रुपये फीस रहता है, पर चाहे वो कांग्रेस दूसरे पार्टी को, फॉर एग्जांपल कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अप्लीकेशन डालना है, मैं भी एक कैंडिडेट हूँ बोले तो अप्लीकेशन के साथ 10,000 रुपये देना चाहिए। हम एक नॉन रिफंडेबल है, वो हम एक रुपये भी नहीं लेते, हम सिर्फ और सिर्फ उनका बायोडाटा लेते हैं, एक तो वो। दूसरा, हम लोग कभी भी नहीं पूछते आप कितना पैसा रखे हो। हम ना जो लोग रियली लोगों का आवाम की खिदमत चाहते हैं, जो कमिटेड है, जो इखलास के साथ काम करना चाहते हैं, उनको हम कैंडिडेट बनाते हैं, नंबर वन। दूसरा, आप और एक सवाल पूछे, सिर्फ और सिर्फ एसडीपी का कैडर क्या बोलो, हमारे कैंडिडेट होना बोलो तो एसडीपी कैडर होना है, मगर अभी एक आदमी नया आया वो टिकट करना, हम चेक करते हैं उसका कमिटमेंट क्या है या उसका बैकग्राउंड क्या है, और रियली वो कंसर्न है तो उसको हम कैडर बना के और टिकट देते हैं, जो भी है, चाहे वो इलेक्शन का टाइम में आए तो भी हम टिकट देते हैं। सर, जिस तरह आने वाले दिनों में रुकन असेंबली यानी कि एमएलए के इलेक्शन को लेकर आप जो है किसका चेहरा रख रहे हैं, खुशी सर एनआर में? अभी तक वो हम इंटरनली हमारा नेशनल सेक्रेटरी में फाइनल हो गए, हम पब्लिक अनाउंस नहीं किए। फौरन मोस्ट प्रॉबली इस महीने में यानी नवंबर महीने में हम लोग जितने भी कर्नाटक का सारे कैंडिडेट का हम लोग फाइनल पब्लिक करेंगे। आपकी क्या राय है कि आप खुद जो है यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर एमएलए खड़ेंगे, क्योंकि आप दो मरतबा आपके चेहरे को जो है यहाँ देखिए एनआर का कैंडिडेट का लिस्ट में जो गया उसमें मेरा भी नाम है। ये जब तक हमारा नेशनल सेक्रेटरी पब्लिक अनाउंस नहीं कर सकता, खुद मैं नहीं बोल सकता एज अ स्टेट प्रेसिडेंट बोलकर, जब पब्लिक अनाउंसमेंट का जो आएगा उस टाइम में इंशाल्लाह आपको, पहले आपको ही सुनाना है हम लोग तो इंशाल्लाह सुनाएंगे। जिस